हाय फ्रेंड्स, मैं हूं पारुल। मेरे चैनल घर संसार में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बाजार जैसा डोसा घर पर बनाना बता रही हूं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाने के बाद ऑल का ऑप्शन दबाना ना भूलें। मैंने 2 कप थोड़े से जो मोटे वाले चावल आते हैं उसका यूज करा। ये देखिए, इस टाइप से थोड़े से मोटे रहते हैं। इससे अगर हम इडली डोसा कोई भी चीज बनाते हैं वो सबसे बढ़िया बनती है, इसलिए मैंने इसका यूज करा। इसके अलावा मैंने 1/2 कप जो राहर दाल आती है, जिसे हम तुअर दाल भी कहते हैं, उसी दाल को लिया है। इसके अलावा 1/2 कप मैंने मूंग की बिना छिलके की दाल ली है। 1 चम्मच मेथी दाना लिया है। 4 से 5 सूखी लाल मिर्ची ली है। 1/2 कप मैंने ये चने की दाल ली है और 1/2 कप ही मैंने ये उड़द की बिना छिलके की दाल ली है। दाल मैंने 4 तरह की ली है, चारों मैंने 1/2 कप ली है और 2 कप मैंने चावल लिया। इन सारी चीजों को आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। 4 से 5 बार का धोकर कम से कम इसे हमें 8 घंटे के लिए भिगो कर रखना, या फिर इसे आप रात भर के लिए भी रख सकते हैं। सारी चीजें मैंने अच्छे से धो ली थी और इसे 8 घंटे के लिए मैंने भिगो कर रखा था। देखिए, काफी अच्छे से सारी चीजें फूल गई हैं। इस तरह से दाल और चावल आप अगर नाखून से कट करें तो आसानी से कट जाना चाहिए। बस इसी तरह से हमें करें, इसका पूरा पानी हम निकाल देंगे। सारा मैंने पानी इसका निकाल दिया। इसके अलावा मैंने 8 से 10 कड़ी पत्ते लिए, इनको भी मैंने धोकर इसमें रख दिया है। इसे हम थोड़ा थोड़ा इस तरह से मिक्सी जार में डालेंगे। थोड़ा सा इसे हमें गाढ़ा और दर दर पीसना है। पानी की अगर जरूरत लगेगी तो इसके अंदर हम पानी बाद में भी डाल सकते हैं, इसलिए स्टार्टिंग में हम इसमें कम पानी डाल के ही इसे पीसेंगे। इसे पीसे समय एकदम आप कंटिन्यू मिक्सी को चलाते हुए मत पीसिए। थोड़ा सा गर्म हो जाए मिक्सी, वैसे ही आप रुक जाइए। मैंने इस तरह से इसे दर दर पीस लिया, आप देख सकते हैं। बस इसी तरह से हमें दरदरा पीसना है। इसी तरह से सारा पीस के मैं तैयार कर लूंगी। इस तरह से मैंने इसे सारा पीस के तैयार कर लिया है, आप इसे देख सकते हैं। मैंने इसे थोड़ा सा गाढ़ा ही रखा है। बस इसमें थोड़े से पानी की जरूरत है, बिल्कुल थोड़ा सा पानी मैं ऐड करूंगी। इसके अंदर बस मैं 2 से 3 चम्मच ही नाश्ते के चम्मच से पानी डाल रही हूँ। बहुत ज्यादा पानी हमें नहीं डालना, इसे ज्यादा लिक्विड नहीं करना है। सब मिक्स कर लीजिए। मिर्ची वगैरह जो हमने डाली थी उसमें अच्छे से नजर भी आ रही है। आप चाहे तो मिर्ची को भिगो के डालिए, आप चाहे तो ऐसे भी डाल सकते हैं, या फिर आप चिली फ्लेक्स डाल लीजिए। बस देखिए, इस तरह से हमें चाहिए। इसी के अंदर मैं नमक ऐड कर रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिए। इतने बैटर के अंदर लगभग 1.5 से 2 चम्मच के करीब नमक डालेगा। नमक डालने के बाद इसे एक बार आप मिक्स कर लीजिए। आपको अगर हींग का फ्लेवर पसंद है तो इसमें आप थोड़ी सी हींग भी डाल सकते हैं। मैं आज इसमें हींग नहीं डाल रही हूँ। इस तरह से इसे फेटिए अच्छे से, ताकि काफी अच्छे से ये मिक्स हो जाए। गैस पे मैंने ये तवा गरम करने के लिए रखा है। इसी के अंदर मैं बिल्कुल थोड़ा सा ये ऑयल डाल रही हूँ। बिल्कुल ज्यादा ऑयल की इसमें हमें जरूरत नहीं है। इसे भी हम कपड़े से पूरे तवे पे अच्छे से फैला देंगे। गैस को मैं मीडियम कर रही हूँ। इसी के अंदर मैं 1.5 चम्मच ये बैटर डाल रही हूँ। इसे बस आपको हल्का सा ही फैलाना है, डोसे की तरह एकदम इसे पतला नहीं करना है और उत्तपम से थोड़ा सा इसे पतला रखना है। इसे डाल दीजिए। डालने के तुरंत बाद इसमें आप थोड़े से इसे मटर के दाने डाल दीजिए, ताकि इस पे अच्छे से चिपक जाएंगे। थोड़ा सा प्याज, थोड़ी सी शिमला मिर्ची, थोड़े से टमाटर। टमाटर सब्जी सारी ऑप्शनल है, जो आपको इसमें डालना चाहते हैं उसे आप डालिए। थोड़ी सी धनिया पत्ती भी डाल रही हूँ इसी में मैं। बिल्कुल हल्का सा नमक, क्योंकि हमने सब्जियों में नमक नहीं डाला था। साथ में थोड़ा सा ये सांभर मसाला डाल रही हूँ, इससे टेस्ट जो है इसका काफी ज्यादा बढ़ जाएगा।
इसे हम हल्का सा प्रेस कर देंगे ताकि सारी चीजें हमारी अच्छे से चिपक जाए। इसी के साइड में बिल्कुल मैं हल्का सा ये ऑयल डाल रही हूँ। ज्यादा ऑयल की जरूरत नहीं, बिल्कुल हल्का सा ही डालना है। इसे एक बार हम पलट देते हैं। इस साइड से भी इसे आप थोड़ा सा प्रेस कर लीजिए। इस तरह से दबा दबा के इसे हम सेकेंगे और हल्का सा इसका कलर लेके आएंगे। बहुत ज्यादा डार्क कलर नहीं करना, लेकिन कलर हमें अच्छा लाना है। मैंने इसे अच्छे से दबा दबा कर सेक लिया। ऊपर का कलर आप खुद देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आ गया है। बस इसी तरह से हमें कलर लाना, नीचे से कलर भी हमारा आ चुका है। नीचे से भी मैंने इस तरह से इसे दबा कर सेक लिया है। आपको मैं एक और बनाना बता रही हूँ। दूसरी बार में हमें डबल से ऑयल लगाने की जरूरत नहीं। इसमें ऑयल जो है इसे आप पूरा कपड़े से पोंछ दीजिए। गैस को लो और मीडियम रखना है। 1.5 चम्मच में बैटर डाल रही हूँ। थोड़ा सा मैंने बैटर बचा दिया है, इसे आप फैला दीजिए। आप चाहें तो इससे बड़ा भी बना सकते हैं, आप चाहें तो इससे साइज छोटा भी रख सकते हैं। इसी तरह से सारी सब्जियां मैं लगा लूंगी। सारी चीजें मैंने डाल दी, नमक डाल दिया, मसाला डाल दिया। बस इसे इस तरह से आप प्रेस कर दीजिए। इसे मैंने अच्छे से दबा दबा कर चारों तरफ से सेक लिया है। नीचे से भी सेक गया है, ऊपर से भी आप कलर देख सकते हैं, एकदम बढ़िया कलर है। बस सारी सब्जी हमारी इसमें अच्छे से चिपक गई। बस ध्यान यही रखना, जब बैटर डालें उसके बाद तुरंत ही आप सारी सब्जियां जो आपको डालना है वो सब डाल सकते हैं। ये देखिए दिखने में कितना सुंदर और एकदम बढ़िया कलरफुल दिख रहा है। ये देखिए सॉफ्ट भी है, पीछे से भी अच्छे से सीख गया, सॉफ्ट भी। जिस तरह से आप मोड़ेंगे उस तरह से मोड़ जाए, खाने में एकदम बढ़िया लगता है, टेस्टी लगता है। बच्चे अगर नहीं खाते दाल चावल सारी चीजें, दाल चावल सब्जी सारी चीजें इसके अंदर मिक्स हो चुकी है। आपके बच्चे के पेट में आराम से चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। इसको पचने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इसे अगर पचाने में हैवी रहता है, इसीलिए इसके अंदर हमने थोड़ा सा मेथी दाने को ऐड करा था। अगर आपको उसका टेस्ट नहीं पसंद है तो उसे स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। बस ध्यान दो ही चीज़ों को आपको रखना है मेन। इसका बैटर जो है आपका लिक्विड ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसे आपको थोड़ा सा दरदरा पीसना है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। प्लीज़ कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।